अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज आपके लिए स्वीट डिश बन रही है। लास्ट स्वीट डिश आपने पसंद की थी तो मैंने कहा आज फिर बना के देखते हैं। आज बन रहा है ट्रिरामिसू केक आपके लिए। आप किसी भी तरह के कुकी ले सकते हैं, लेकिन ट्रिरामिसू में लेडी फिंगर कुकीज यूज होते हैं तो ये आपको चाहिए होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी बड़ी डिश बनानी है। तो मेरे पास यहाँ पे 4 पैकेट है, इस 4 पैकेट में 12 ईच। यहाँ पे मेरे पास 2 कप क्रीम है। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 6 अंडे लेने हैं और 6 अंडों की सिर्फ हमें जर्दी चाहिए, योक जो है ना वो चाहिए हमें। यहाँ पे मेरे पास कॉफी है, स्ट्रांग कॉफी बना लें और या फिर एक्सप्रेसो ले लें अगर आपको और ज्यादा स्ट्रांग चाहिए। मेरे पास रेगुलर कॉफी है, मैं ले रही हूँ 1.5 कप। आपने कुकी लिया और उसे आपने डिप करना है इसमें कॉफी में, और अपना जो भी पैन आप यूज कर रहे हैं जिसमें भी आपको सेटल करना है इसे, उसमें आप ये लगाते जाएं। जहां पे आपका छोटा पड़ जाए तो कोई नहीं, आपने इसको ऐसे तोड़ के डालना है इसमें। तो अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप ये है कि आप कोई सा भी पॉट ले लें, उसमें इतना पानी डालें कि जिसमें आपका ये बोल आ जाए, पर बोल जो है आपका पानी को टच नहीं करना चाहिए। अभी देखें थोड़ा ज्यादा, तो मैं इसको थोड़ा सा कम करूँ। हम ये कर रहे हैं इसलिए कि इसमें हमने चीनी डाल के, चीनी भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसमें, और इसको बिल्कुल पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना अच्छा सा, एक लिक्विडी सा, और ताकि चीनी आपकी मेल्ट हो जाए इसमें। मेन मकसद ये है, और कोई मकसद नहीं है। हमने ये जो 6 लिए थे एग्स की जर्दी योक्स, उसमें मैं 3/4 कप जो है शुगर डाल रही हूँ, और इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। ये मिक्स हो जाए तो आप देखें कि आपका पानी जो है बॉइलिंग नहीं होना चाहिए, वो बबल्स के ऑलमोस्ट करीब होना चाहिए। तो जब ये होगा, ऑलमोस्ट होने वाला है, तो फिर मैं इसके ऊपर रख के इसको मिक्स करती जाऊंगी, और इसे तकरीबन 6 से 8 मिनट तक आपने करना है ताकि ये अच्छी तरह इसकी शुगर भी मिक्स हो जाए। बटर सिमर हो रहा है, अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ये मैंने रखा है, और मेक श्योर करें कि टच ना करें, पर खाली स्टीम में आपने करना है, और इसको तकरीबन आपने 5 मिनट तक, 5 से 8 मिनट तक, जब आपको लगे कि चीनी भी अच्छी तरह मिक्स हो गई है इसमें और अंडा भी पक गया, और इसका कलर भी आप ये देखें लाइट हो गया है, कितना डार्क था उसका कलर योक का, अब ये लाइट हो जाएगा जब चीनी मिक्स होगी इसमें। ये देखें कि थोड़ा सा थिकनेस भी हो गई है, और आप इसे टच करके देख लें कि ये चीनी जो है आपको महसूस ना हो कि इसमें है, और इसका कलर भी अच्छा थोड़ा लाइट सा हो गया है। तो स्टोव को कर देंगे बंद और इसको उतार लेंगे। यहाँ पे हमारे पास मैस्कारपोन हमारे पास चीज है, ये है मेरे पास 475 ग्राम। मुझे पता है अब ये क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं कि बना के सिखा बताएं, तो इंशाल्लाह मैं इसकी कोशिश करूंगी आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है इसको 1 डे रखने का, तो वो ये मैं अलग से रेसिपी बना दूंगी आपको। आपने ये डाला इसमें, और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ वनीला एक्सट्रैक्ट 1 टीस्पून। क्या करना है, विस्क से कर लें, और ये इससे कर लें, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर से कर लें, इसको आपने मिक्स 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 करना है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, और ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि वार्म हो जाए, गरम गरम नहीं डालूंगी, थोड़ा सा और ठंडा हो जाए तो इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो अब ये जो है मेरे पास, हमने एग योक और शुगर को मिक्स करके रखा था, ये बिल्कुल लूक वार्म है तो हो गया है, अब इसको हम इसमें डाल देंगे। आपने इसको भी मिक्स कर लेना है इसमें। तो आपने इसको तकरीबन 2-3 मिनट करना है, और आप फील करें कि ये बिल्कुल क्रीमी और बहुत अच्छी तरह से मिक्स ऑल टुगेदर हो गया। चलें अब आपने सेपरेट बोल ले लें कोई लार्ज, और उसमें 2 कप हैवी क्रीम, सो मेरे पास 35% है, वो मैं इसमें डाल दूंगा।
और कोल्ड होनी चाहिए फ्रिज वाली, अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट। क्रीम विस्क की है ये, मैंने तकरीबन 3 मिनट मैंने किया था। आपने जो एग योक और स्कॉर्पोन वो डाला हुआ था, मिक्स किया हुआ था, उसमें आपने इसको जेंटली मिक्स कर देना। आप देख लें कि इसमें इतनी मज़ेदार वो चीज़ और सब कुछ डला हुआ है, दिल चाह रहा है ऐसे ही खा लें। तो अच्छी तरह इसको फोल्ड कर लें, आपने बीट नहीं करना है इसको, जस्ट फोल्ड करते जाना है, फोल्ड करते जाना है ताकि इक्वली हर जगह से मिक्स हो जाए। जब आपको लगे कि बिल्कुल मिक्स हो गया तो बस इसे छोड़ दें फिर। चलें, अब आपने जो एक लेयर कुकीज़ की लगाई हुई थी लेडी फिंगर कुकीज़, उन पर आपने ये डालना है। और आपने इसको इस तरह लेवल कर देना है। अब आपने क्या करना है, दोबारा सेम चीज करनी है, आपने कुकीज लेने हैं, डिप करने हैं इसके ऊपर अपने। चलिए, अब आपने क्या करना है, अपना दोबारा ये व्हिप क्रीम और चीज़ जो आपने व्हिप करके रखा हुआ वो आपने लेनी है। और बहुत अच्छी तरीके से इसको आपने इसके ऊपर लेयर कर लेना है। और मेक श्योर करें कि अच्छी थिक लेयर हो ताकि जब आप इसे काटें तो अच्छा सा उसमें नजर आए। ये देखें कि यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि चलें, यहाँ पे मैंने इसमें डाला है कोको पाउडर और पिंच ऑफ कॉफी, क्योंकि मुझे कॉफी का वो बिटरनेस बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे स्वीट स्वीट चाहिए होता है। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से इस तरह कवर करें। चलें, आप इसको बहुत अच्छी तरह कवर करें। लग रहा है इसमें खत्म हो गया इसमें और भर गया, साथ ही आप इसके कॉर्नर्स जो हैं क्लीन कर लें। लेफ्ट ओवर बिस्किट्स बच गए, इनका आपने क्या करना है, इनको जाया नहीं करें, कोई सा भी फैंसी कप ले लें, मग ले लें। और अगर आपने सिंगल सर्विंग बनानी है उसमें इसकी लेयर लगाएं। इसमें आपने इसकी लेयर लगाई, अपना डाला ये, दोबारा आपने इसमें लेयर लगाई। चले जी, अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम, आपका फेवरेट टाइम। तो उसको टेस्ट करने के लिए उज़ैर तो है ही है हमारे पास, लेकिन आपका फेवरेट पर्सन भी है। चले, कौन है? लाइबा। डू यू लाइक दिस, आपको पसंद है ये? यूजुअली मुझे कॉफी वाला पसंद नहीं है, बट ये अच्छा लग रहा है और स्मेल भी अच्छी आ रही है। लाइबा सुबह से कुछ नहीं खाया, इसी के इंतजार में बैठी। देखें, ये अच्छा है क्योंकि कॉफी की टेस्ट इतनी लाइक ज्यादा नहीं है, क्योंकि माइल्ड बट रियली गुड। Really good.
तो अगर आपको कॉफी पसंद नहीं है आई थिंक केक भी इज दिस अ केक ये अच्छा लगेगा। बहुत बहुत चैनल को लाइक करने का सब्सक्राइब करने का। अल्लाह हाफिज।